आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। LIC में शहरी एजेंट भर्ती 6000 हर माह, 20 से 25000 कमीशन, केवल 25 पद। जल्द संपर्क करें, योग्यता 12th पास, उम्र 25 वर्ष। संपर्क करें आशीष जैन, LIC विकास अधिकारी दमोह। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, निर्दयी मां ने नवजात शिशु को छोड़ा फेंका कचरे के ढेर पर। मामला है दमोह जिले के सीमा से सटे तिनोनी गांव का, जहां एक अज्ञात नवजात शिशु मिला है। सड़क किनारे कचरे के ढेर पर मिला यह नवजात शिशु। स्थानीय लोगों ने जब इसकी सूचना सरपंच सोमेश गुप्ता को दी, तो सोमेश गुप्ता के द्वारा मौके पर पहुंचकर नवजात शिशु को ग्रामीणों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बच्चे की हालत डॉक्टरों के द्वारा गंभीर बताई गई है। डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज शुरू कर दिया गया है। वहीं सरपंच सोमेश गुप्ता के द्वारा मानवता को परिचय देते हुए स्वयं अपने निजी वाहन से इसे तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के द्वारा इसका इलाज जारी है। पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। गांव में पता किया जा रहा है कि आखिर किसका यह बच्चा हो सकता है, या कोई आसपास के गाँव में भी इसकी पतासाजी जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में क्या कहना है सरपंच सोमेश गुप्ता का, सुनते हैं विस्तार से। तो ये बच्चा कहाँ मिला है आपको, किस स्थिति में मिला है, कहाँ लाया? मेरे पास सुबह फोन आया कि पथरिया पेपरिया रोड पे पानी की टंकी के पीछे जो भूरा बना हुआ है, वहाँ पे कोई बच्चा डला हुआ है और जिंदा है। तो मैं तुरंत वहाँ पे भागते हुए गया, मैंने देखा भीड़ लगी थी बहुत सारी और बच्चा जीवित था। तो मैंने अपने तुरंत शॉल निकाली थी, उसको अपने साथ में लिया। और हमारे गाँव में फार्म हाउस की कर्मचारी हैं रत्ती जी और भाई हैं, उनको साथ में लेके आए हैं। बच्चे अभी जीवित स्थिति में, कौन डाल गया ये पता नहीं, लेकिन अभी आज ही पैदा हुई है, क्योंकि उसकी स्थिति देख के समझ में आ रहा है, ऐसा बताया अभी डॉक्टर ने। एकदम नवजात है। आज ही सुबह उसकी, क्योंकि उसकी नली भी नहीं कटी है अभी उसकी। ग्रामीणों ने बताया किसका है ये, किसी ने बताया। बहुत सारी भीड़ लगी थी जब मैं पहुंचा, करीब 200-300 लोग वहाँ थे, लेकिन किसी कोई मदद के लिए नहीं उसको उठाया नहीं था। किसी ने कपड़े भी नहीं थे उसके बदन पे, ना कोई ऐसा। डॉक्टर क्या कह रहा है अभी आपने? डॉक्टर कह रहे हैं कि हम उसका तुरंत, डॉक्टर ने इलाज शुरू कर दिया है, वो कह रहे हैं कि ठीक हो जाएगी।